हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल आईट्यूब क्लासिक। फ्रेंड्स, आज की हम जो गवर्नमेंट स्कीम डिस्कस करेंगे वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस स्कीम को डिजिटली 10 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था और इस स्कीम का उद्देश्य है फिशरी सेक्टर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू ब्लू रेवोल्यूशन को लेके आना। और इस स्कीम को 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक। इस स्कीम को 2019-20 के यूनियन बजट में अनाउंस किया गया है। यह स्कीम एक फ्लैगशिप स्कीम है फॉर फोकस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द फिशरी सेक्टर एंड दिस स्कीम इज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। इस स्कीम के 2 सेपरेट कंपोनेंट्स हैं, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी इस स्कीम की वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोर्न की जाएगी। दूसरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि जो कॉस्ट होगी वो सेंटर एंड स्टेट के बीच शेयर किए जाएगी। इस स्कीम के उद्देश्य, इस स्कीम का उद्देश्य है फिशरी सेक्टर में फोकस्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। इसमें एक क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच को अडॉप्ट किया जाएगा, फिशरी ग्रुप्स को क्रिएट किया जाएगा थ्रू बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंक। इस स्कीम के तहत स्पेशली फोकस किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटी, जैसे कि सीवर्ड एंड ऑर्नामेंटल फिश कल्टीवेशन। इस स्कीम के तहत फिशर एंड फिश फार्मर की इनकम को डबल करना, उनको सोशल इकोनॉमिक फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना, ताकि जो फिश प्रोडक्शन है एंड प्रोडक्टिव को इम्प्रूव किया जा सके। इस स्कीम के तहत जो फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो क्रिटिकल्स गैप है उनको एड्रेस करना एंड वैल्यू चेन को स्ट्रेंथ करना, एक रोबस्ट फिशरी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करना। इस स्कीम के तहत जो ब्लू रेवोल्यूशन की अचीवमेंट है उनको कंसोलिडेट किया जाएगा और कुछ न्यू इंटरवेंशन किए जाएंगे, जैसे कि फिशिंग वेसल्स इंश्योरेंस, सपोर्ट फॉर न्यू अपग्रेडेशन ऑफ फिशिंग वेसल्स, इंटीग्रेट एक्वा पार्क, ई ट्रेडिंग, मार्केटिंग एटसेट्रा। ये सब इस स्कीम के मेन एम्स हैं। फिशरी सेक्टर्स इन इंडिया। फिशरी एंड एक्वा कल्चर आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम ऑफ इंडिया। और ये सेक्टर जो है वो मोर देन 20 मिलियन फिशरी को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। और जो ग्रोस वैल्यू एडेड है फिशरी सेक्टर की ड्यूरिंग 2018 एंड 19, वो 1.24% है टोटल नेशनल ग्रोस वैल्यू एडेड का। कंट्रीब्यूट करता है 7.28% एग्रीकल्चर ग्रोस वैल्यू एडेड में। और फिशरी सेक्टर में अगर हम बात करें दो 2014-15 से 2018-19 तक एक अच्छी ग्रोथ हो रही है, जो कि 10.88% है। इस स्कीम के टारगेट, इस स्कीम के तहत फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाएगा बाय एन एडिशनल 17 लाख टन एंड जो फिशरी एक्सपोर्ट है उसकी अर्निंग को इंक्रीज करना टू 1 लाख करोड़ बाय 2024 एंड 20। जो इनकम है फिशर्स एंड फिश फार्मर की, उनकी इनकम को डबल करना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करना फ्रॉम 20-25% टू 10% और एडिशनल 50 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करना, एक्सपोर्ट अर्निंग को डबल करना फ्रॉम 46,000 टू 589 करोड़ टू 1 लाख करोड़ बाय 2025। फिशरी सेक्टर का जो एग्रीकल्चर जीवीए में कंट्रीब्यूशन है उसको इंक्रीज करना फ्रॉम 7.28% टू 9% बाय 2025। फंडिंग, इस स्कीम के लिए 20,050 करोड़ की एक एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट की जाएगी 5 साल के लिए फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 टू फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। और यह इन्वेस्टमेंट अभी तक की सबसे हाईएस्ट है फिशरी सेक्टर में। ये था आज का हमारा डिस्कशन, आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।